स्टार्ट करो इंटरनेट के इंटरनेट मैं आया हूँ इंग्लैंड से। ओह माय गॉड, आजकल मैंने चश्मा पहन ले और आप लोग भी कहेंगे कि अबे यार गाना बज रहा है यहाँ पे। चुनाव क्या आ गए भाई, काम रोकना पड़ जाता है। अरे यार फिर से सब बेकार। आजकल टाइम कुछ भी वायरल हो जाता है, पुराने जमाने के गाने और या फिर कोई ऐसा चीज जो कि बहुत पहले से आता हो लेकिन सोशल मीडिया में दिखने के बाद वो सब बम फूट जाता है और सबके पास आ जाता है। एग्जांपल के तौर पर ये नैनो टेप मेरे पास 3-4 साल से है और बहुत पहले से आता, लेकिन रील में भाई लोग इसके गुब्बारे फुला रहे हैं और भयंकर वायरल हो गया क्योंकि है ही चीज बड़ी मस्त। कुल मिला के कोई चीज अगर बड़ी मस्त होती है वो वायरल हो जाती है, लेकिन एक बार आपकी नजर के सामने आनी चाहिए। वैसे ही मेरे नजर के सामने एक ऐसी चीज आ गई है जो कि मुझे लगता है पक्का से पक्का वायरल होगी क्योंकि चीज ही इतनी खास है और वो चीज है इस बॉक्स में। और आप लोग भी कहोगे भाई हाँ इसमें दम तो है वायरल होने का, बस इसे मौका चाहिए। तो यहाँ पे इसे अनबॉक्स करते हैं। बहुत ही सिंपल पैकेजिंग में आया है। तो ये है वो चीज जो कि मुझे लगता है जल्द वायरल होगी। क्या आपको देखने में जूसर लगता है? नहीं। ये है नए जमाने का स्लाइस है एंटायर से, हालांकि इसको आए हुए 5-6 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी सभी लोग नहीं जानते। एक टाइम पे जो हम लोग यूज करते थे ये वाले कद्दूकस जिसमें हम लोग गाजर घिसते थे ऐसे और कभी कभी चोट भी लग जाती थी। और कुछ लोगों के पास इस तरीके के ऑल इन वन स्लाइसर ऐसे तो होंगे ही जिसमें कद्दूकस भी है, चिप्स भी है, सिंपल चिप्स भी है और ये कुछ है शायद चीज घिसने वाला। ये तो सबके घर में होगा है, लेकिन अब जमाना बदल गया है और कुछ ऐसी चीजें आने लगी हैं। तो रिसेंटली हमने एक स्लाइसर और डाइसर पे वीडियो बनाया था जो कि फेसबुक में बहुत तो वायरल है, लेकिन ये वाली चीज अभी इतनी वायरल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं और जानेंगे कि भाई कितना खास है और किस तरीके से काम करता है। ये सस्ता वाला वेरियंट है, इसके कई प्रीमियम वेरियंट भी आते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख लो, कई सारे प्रीमियम वेरियंट भी आते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टॉक है जैसे कि वंडर शेप का काफी ज्यादा प्रीमियम है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे हमें इसके साथ अटैचमेंट मिले हैं, इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि इसके काम करने का प्रोसेस एकदम जूसर के समान है। जैसे हमें एक गाजर को इसमें कद्दूकस करना है, गाजर को घिसना है, पतला घिसना है, तो हमने गाजर लिया और गाजर को ऊपर रखा, ऐसे दबाया और पहली बार मैं सिंग घुमा रहा हूं, अभी तक मेरे को नहीं पता कुछ घिसा भी है या नहीं। ओ भाई साहब एक मिनट, मैं तो भूल ही गया इसे हम लोग लॉक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अब ये हिलेगा भी नहीं। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। तो देखा आप लोग कितनी आसानी से इसने गाजर को घिस दिया। ये बहुत ही बारीक घिसा है, आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी सब्जी इसमें घिस सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये काम हो गया। तो कुल मिला के हाथ से ऐसे ऐसे घिसने से अच्छा मुझे ये वाला जुगाड़ लगा। यहाँ पे हमने अभी बारीक वाले को टेस्ट किया है, अभी थोड़ा मोटा वाला लगाते हैं। तो आपकी बार दूसरा ब्रेड आ रहा है क्योंकि मोटा वाला है, इसे लगाना बहुत ही आसान है। सिंपली बस ये चीजें ऐसे फंसानी है और यहाँ पे जो डायरेक्शन दी गई है उसी हिसाब से इसे कस देना है। तो पिछली बार गाजर इतनी बारीक हो गई कि ऐसा लग रहा है कि ईद की सेवई है। तो यहाँ पे अब हम लोग घिसने वाले हैं गाजर, लेकिन थोड़ा मोटा ताकि गाजर का हलवा थोड़ा अच्छा बने। सही बात है। ओ भाई साहब अब की बार की गाजर तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त निकल रही है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो, जो ये घिसके निकल रहा है इसका शेप जो है नॉर्मल कद्दूकस से घिसे गाजर की तुलना में काफी अलग है, अलग ही लुक आ रहा है, दोनों में डिफरेंस देखो। और अगर हमें खीरे का रायता बनाना हो तो मुझे लगता है खीरे का रायता इससे बहुत ही अच्छा निकलेगा। ये गया खीरा इसके अंदर और कितनी जल्दी एक खीरा निपट गया इसके अंदर। तो अभी आप लोग कमेंट में ये बताओ कि हमने दो जो अटैचमेंट टेस्ट किए हैं उनसे आप क्या बनाना पसंद करेंगे। तो आपकी बात में चिप्स निकालने वाले हैं, वो भी बारीक वाले, मुझे नहीं लगता ऐसे चिप्स निकलेंगे, पता नहीं। ये रहे हमारी आलू, देखते हैं कैसे चिप्स निकलेंगे, निकलेंगे भी या नहीं। स्पीड से निकालो, जाओ स्पीड से निकालो। अरे खत्म, पूरी आलू खत्म हो गई, कब पता ही नहीं चला। एक आलू और, दो तीन दो एक स्टार्ट, पूरी आलू खत्म। और भाई साहब यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त बारीक वाले चिप्स निकल के आए हैं।
स्टार्टिंग वाले तो बहुत ही ज्यादा अच्छे निकले हैं, आपको देख के पता चल रहा है। वाओ, तो लास्ट मोटे स्लाइस वाला अटैचमेंट, इसका यूज जहां तक हम लोग सलाद काटने, जैसे कि चुकंदर हो गया, मूली हो गई, खीरे का सलाद निकालना हो, या फिर चीज बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसे भी टेस्ट कर लेते हैं फटाक से। और यही नहीं, मैं आपको यहाँ पे थोड़े ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। खीरे के स्लाइस निकालने की कोशिश करते हैं सलाद के लिए। अरे यार, यहाँ पे खीरे के स्लाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अगर प्रीमियम वाला होता तो स्लाइस बहुत अच्छे आते खीरे के। एक तो खीरा जो है नरम हो गया है, इस वजह से ये कटने की बजाय दबा जा रहा है। तो यहाँ पे आप एकदम फ्रेश और करकरे यानी कि ताजे खीरे ही इस्तेमाल करें, नरम खीरे होंगे तो उनका यही हाल होगा। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आलू के स्लाइस निकाल के देखता हूँ मोटे स्लाइस निकलते हैं या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे आलू के स्लाइस मोटे वाले निकल आए हैं, काफ़ी सही निकले हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। क्योंकि आलू कड़क होती है तो उसके स्लाइस बनाने में इसको दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ग्रेट कर सकते हैं, सिंपली ड्राई फ्रूट भरिए और इसे चला दीजिए जब आपको अधिक मात्रा में काजू पिस्ता बादाम घिसने हो। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने टेस्ट किया ऐसा प्रोडक्ट कि भाई पक्का सब वायरल होगा। हालांकि प्रीमियम वाला वर्जन नहीं है, इस वजह से बहुत सारी कमियां आपने खुद देखी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको प्रोडक्ट काम का लगा हो तो भाई वीडियो को वायरल करने में योगदान दो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि बाकी के लोग भी जान पाएँ कितनी ज़बरदस्त चीज़ भी आती है आजकल के टाइम में, जिससे हम लोग अपनी काम को बहुत तेजी से निपटा सकते हैं। तो हालांकि काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट, और एक कमाल की चीज़ हुई है कि भाई हमारे चैनल में 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और इस बारे में मदद नहीं, टाटा बाय बाय। वाह।